हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। जो पहले 18 एलिमेंट्स हैं पीरियडिक टेबल में, तो हम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आज देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक नंबर 1 जिस एलिमेंट का है, जो कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने सिंपल तरीके से लिखा है, पहले नेम ऑफ एलिमेंट, उसके बाद उसका सिंबल, फिर उसका एटॉमिक नंबर और लास्ट में उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हाइड्रोजन जो है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, सिंबल इसकी H है। चूँकि जितना एटॉमिक नंबर होता है, जो न्यूट्रल एटम होता है या कोई भी एलिमेंट होता है, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो भी एटॉमिक नंबर के साथ सेम होते हैं। यानी कि जो उसका एटॉमिक नंबर होता है, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। और जब हम उन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेल्स में, तो उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे नीचे देखिए आप डायग्राम में, ये एक शेल बनाई गई है एक एटम की या एलिमेंट की, यहाँ पे जो कि है हाइड्रोजन H। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन इसकी पहले वाली शेल में ही आएगा। मान लो ये इसकी एक शेल है, जिसको यहाँ पे K से डिनोट किया गया है। और इस K शेल में हम कैसे दिखाएंगे, तो इसमें हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दिखाएंगे। तो ये बन गई इसमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, यानी कि हमने इस इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया है इसके पहली ही शेल में, जिसको हम के शेल बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है K1। इसके बाद सिमिलरली हीलियम जो है, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, सिंबल इसका HE और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K2। यानी कि जो हीलियम है, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिखाएंगे आप, के शेल में आप दिखाएंगे ऐसे ही, इसके दो इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे एक और दो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरीके से ये के शेल में आ गए दो इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बन गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जैसा कि कल मैंने आपको समझा दिया कि जो पहली शेल होती है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो इसकी जो पहली शेल है ये फिल हो जाती है। अब इसके बाद नंबर 3 एलिमेंट जो कि है लिथियम, लिथियम का सिंबल है Li और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 3। अब हम 3 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो हम इस डायग्राम में दिखा सकते हैं आपको। क्यों? क्योंकि इसमें हमने दो शेल्स दिखाए हैं, के शेल एंड एल शेल। और चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं, तो पहले दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे के शेल में, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, और तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है अब ये इस शेल में नहीं आ सकता, क्योंकि ये फिल हो गई है। तो दूसरा तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा इसके एल शेल में बाहर, यहाँ पर। तो ये क्या बन गया, के शेल में कितने आ गए, के शेल में आ गए 2 और एल शेल में आ गया एक, तो बन गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका K2L1। तो यहाँ पे देखिए यह है K2L1। इसके बाद है बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर 4 है। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, पहली शेल में 2 और दूसरी शेल में 2, तो ये हो गए बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K2L2। सिमिलरली बोरान का एटॉमिक नंबर है 5, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हम दिखाएंगे, तो वो कैसे दिखाएंगे, पहली शेल में दिखाएंगे हम के शेल में 2 और एल शेल में 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन गई बोरान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज़ K2L3। सिमिलरली कार्बन का कैसे दिखाएंगे, पहली शेल में दिखाएंगे 2 के शेल में और एल शेल में दिखाएंगे 4, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है। पहली में 2 आएंगे, दूसरी में 4 आएंगे, 1 2
तीन और चार। तो ये बन गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की। कार्बन के बाद आता है नंबर नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन में ऑलरेडी हमारे पास हैं इसके हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो कैसे दिखाएंगे, पहली शेल में 2 और दूसरी में 5, तो के शेल में 2 और एल शेल में 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। इसके बाद आएगा नंबर ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, और जब हम इन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे करेंगे, के शेल में 2, अब कितने बचे बाकी, बाकी बचे 6, तो वो 6 कहाँ आएंगे, वो आएंगे एल शेल में। तो ये बन गई K2L6, कुल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनको हमने 2 शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, के शेल में 2 और एल शेल में 6। तो इस तरीके से ये बन गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। इसके बाद फ्लोरीन, सिमिलरली फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, तो पहली शेल में आएंगे 2, दूसरी में आएंगे 7, 2 और 7 हो गए 9। सिमिलरली फ्लोरीन के बाद आएगा नियॉन, तो नियॉन में आप ध्यान रखिए, नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो के शेल में आएंगे 2, के शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में आएंगे 8। और कल मैंने आपको दिखाया है 2n² रूल के तहत कि जो दूसरी शेल होती है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो इसकी जो फ्लोरीन है, जो नियॉन है, ये एक ऐसा एलिमेंट है पीरियडिक टेबल में जो पहला ऐसा एटम एलिमेंट है, या मान लो आप अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसकी दोनों शेल्स कम्प्लीटली फिल्ड हैं, पहली भी और दूसरी भी। इसके बाद सोडियम, तो सोडियम का आप ध्यान रखिए, सोडियम में एटॉमिक नंबर जो है वो है 11, तो इसका जब हम दिखाएंगे ये, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम दिखाएंगे तो इसमें हम 3 शेल्स दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि जो 11 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाने हैं तो वो कैसे फिल होंगे, वो के शेल में आएंगे 2, एल शेल में आएंगे 8 2 और 8 हो गए 10, अब हो गए 2 शेल्स कंप्लीट, जो 11वां इलेक्ट्रॉन आएगा वो एम शेल में आएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी K2L8M1। तो सिमिलरली जब हम एक एक करके एक एक और एलिमेंट को देखेंगे, सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का है 12 एटॉमिक नंबर, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अब हम यहाँ मैं दिखाऊंगा आपको, आप समझ गए होंगे इस अरेंजमेंट से, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे वो बन जाएगी K2L8M2। सिमिलरली एलुमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 13 है, इसका बन जाएगा K2L8M3। सिलिकॉन जिसका एटॉमिक नंबर 14 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी K2L8M4। सिमिलरली फॉस्फोरस का जो आएगा वो आएगा इसका K2L8M7, सॉरी फॉस्फोरस का आएगा K2L8M5, सल्फर का आएगा K2L8M6, क्लोरीन का जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो पहली शेल में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 7, 2, 8 और 7 हो गए 17। और अर्गान जो इसमें लास्ट है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर 18 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी K2L8M8, ठीक है।